दो आदमियों को क़यामत के देने लगेगा चलो दोज़ख में, एक दौड़ लगा देगा, एक पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, अल्लाह दोनों को बुला लेगा, अब भाई क्यों दौड़ लगा रहे हो, आगे देख नहीं रहे हो, आ गए। वो कहने लगा या अल्लाह तेरी ना माननी की वजह से तो आग का हुक्म हुआ है, मैंने सोचा आज ही मान लूं शायद तू खुश हो जाए। अल्लाह दूसरे से पूछेगा जब तू क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूं, कहे अल्लाह तेरे नेक बंदों से सुना था तू बड़ा मेहरबान करीम है तो मैं मुड़ मुड़ के देखता कहा अभी तेरी शान करीमी मुझे वापस बुला लेगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा जाओ जाओ जन्नत में जाओ मजे कर। वो तो यूं माफ करने के बहाने ढूंढता है, एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, 50-50 अल्लाह कहेगा 51 कर दे तो जन्नत, 50 गुना 50 नेकियां। उसने कहा चलो एक नेकी तलब जाएगी, माँ प्यो चाचे दादे ताए नाने नानियां सारे उस खंगाल मारे, किसी नेकी नहीं देती उसकी थी, हाय हाय की तो एक आदमी साथ कहने लगा भाई क्या हुआ हाय क्यों कर रहा, कहेगा एक नेकी से मार खा गया। कहा क्या हुआ, कहा मेरी 50-50 तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, कहा मेरी 50-50 हैं एक नेकी खुट गई है वो नहीं कोई भी नहीं दे रहा तो मेरे लिए दोज़खी है। वो कहेगा आप शेर, कहेगा मियाँ मुबारक हो भी तेरा काम बन गया। वो कहेगा किमें बन गया, वो कहेगा मेरे को है ही एक ना होवे तामी लित्तर ते होवे तो तामी लित्तर ते तू ता मौज कर। वो तो पुट्ठी छलांगे लगा था, वो आएगा कहेगा याला मेरा काम बन गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कैसे बन गया, वो कहा फलां बंदा कहता मैं नेकी देता हूँ, कहा उसको बुला वो भी आ जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे इसे नेकी देते हो, कहा जी देता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे क्यों देते हो, आज तो माँ नहीं देती तू क्यों देता है, वो कहेगा याला मेरी एक है मेरे तो किसी काम की नहीं, हो तामी दोज़ख़ है ना हो तामी दोज़ख़ है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तो आज मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, चल तू भी इसके साथ जन्नत में जा और ये भी जन्नत में जा। तो जिसने एक बद्दू आया कि या रसूल अल्लाह मन यहासिब अना यौमल क़ियामा, हमारा हिसाब कौन लेगा क़यामत के दिन, आपने कहा अल्लाह। वो कहने लगा बखेन बखेन, कहने लगा मौजा हो गई मौजा, सुभान अल्लाह क्या ईमान था, कहने लगा मौजा हो गई मौजा। आपने फरमाया मा यहमिलु अला कौली का बखिन बखिन, ये तुम मौजा मौजा किस गलते कर रहे हैं। वो कहने लगा इन्नल करीम इदा कदरा अफा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सखी बादशाह पकड़ के भी माफ कर देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मौजा हो गई हैं मौजा। जिसने पेपर लेना है बहुत आसान कर दिया है, थोड़ी सी हम शर्मो हया दिखा दी कि हम मरने से पहले अपने अल्लाह को मुहम्मदी रूप में ढल के दिखा दें। कोई लंबे चौड़े इबादत नहीं, 5 नमाजों में कितना जोर लगता है, 5 नमाजें पढ़ने में कितना जोर लगता है। अल्लाह के वास्ते बच्चों नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में नमाज ना छोड़ो।